अगर इन चीज़ों सारों को हम देखें तो पता ही चलता है कि अमेरिका, इंडिया और अफगान दमन दे डोंट वांट पीस इन अफगानिस्तान। इन्होंने अमेरिका से कह दिया कि हम तुमसे झगड़ा कर लेंगे। कैसी बात करते हैं कि बच्चे 70 साल से उनका गूं खाया हमने, तो वो अमेरिका सरकार का हम तो पैदा होते। उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने 71 के ताने मारे इनको कि ये हथियार छोड़कर आ गए थे। सर, आज 2-3 चीजें, एक तो एयर स्ट्राइक का सुनने में आ रहा है कि अमेरिका ने किया है तालिबान के ऊपर, उसको ये जहाज कहाँ से आ गए? वही मैं कह रही हूँ सर, सुनने में यही आ रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ही आए हैं, बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन ये ना उन्होंने तो ये कहा था हम जमीन देंगे नहीं, तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? ये हो क्या रहा है? इन्होंने अमेरिका से कह दिया कि हम तुमसे झगड़ा कर लेंगे। कैसी बात करते हैं कि बच्चे 70 साल से उनका गूं खाया हमने, तो वो अमेरिका सरकार का हम तो पैदा होते के साथ ही चले गए थे अपना वो नहीं जुब्बा उठा के कि माय बाप पैसे दे दो। 1947 में 50,000 $5 मिलियन मांगे थे और भेजा था निजाम दक्कन के फॉरेन मिनिस्टर को, तो अमेरिका ने $50,000 का चेक दे दिया था। उन्होंने कहा जाए माफ करना, अगले हफ्ते आना। तो भाई वो माई बाप है, पैदा किया वेस्टर्न साम्राज्य ने, उसका काम है वो जो कहेगा वो करेगा। चीन का जो काम है चीन करेगा। ये तो वो आपके बादशाही मस्जिद के साथ वाला मोहल्ला है, जो चाहे पैसे लेके जाए वहाँ काम कर ले। दिस इज नॉट सम पीपल विद सम कैरेक्टर। ये आप किसी खुशफहमी में नहीं रहे कि उसने कह दिया तो ये हो गया। ये तो गाली देते हुए फिर मिठाई का डिब्बा लिया इंडियन सोल्जर, तो उनके साथ खाने लग गई। ईद मुबारक, ईद मुबारक। बेशर्म, सुबह शाम कह रहे हिंदू का हाथ का नहीं खाएंगे, उसके ग्लास का पानी नहीं पीना है। उन्होंने कहा ये लो जी मुफ्त मिठाई मिल रही है। उन्होंने कहा जो खा लेंगे हम, वो तो ठीक, वो तो मुफ्त हो रहे हैं हम। सो दे हाउ कैन दे से कि अमेरिका का नहीं है। उनसे कह दिया होगा अमेरिकन को कि अरे भाई वो तो गलत बात कह दी हमने, ये थोड़ी मतलब था कि बनाने नहीं देंगे। आपको इजाजत देने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा मुल्क आपका है। जिस तरह आप लूटे वूटे, बस हमें 2-4 पैसे दे दिया करें। हमारे यहाँ की सिलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट चाह रही है, बार बार ये कहा जा रहा है। लेकिन उधर से उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका भी बड़ा सख्त किस्म का स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने 71 के ताने मारे इनको कि ये हथियार छोड़कर आ गए थे। नहीं, अमरुल्ला ने वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत ही इनको पब्लिकली जलील किया कि अफगानिस्तान हैज नेवर बीन इन सच ए सिचुएशन। आपको याद रखना चाहिए कि आपकी औकात क्या है। अब बगैर लड़े हथियार डाल के आ जाते हैं। अफगानिस्तान में जब अमेरिका नहीं रह सका, रूस नहीं रह सका, ग्रीक्स नहीं रह सके, तो ये पाकिस्तान के घुसपैठिए जाके वहां बैठ जाएंगे, जनरल लगा के पट्टी मेडल्स। इनके हाथ से इनका फ्रंटियर चला जाएगा, ये डूरन लाइन खत्म हो जाएगी और ये अटक के उस पार तमाम इलाका जो पश्तो का है उसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? यानी व्हाट इज द कनेक्शन? आपकी जबान उर्दू है, जो पंजाबी वो भी शर्मिंदा उर्दू बोलते हैं, पश्तूनों की तो जबान नहीं है ये। उनकी हिस्ट्री देखिए, पीटीएम से लेके खान अब्दुल गफ्फार तक और उससे पहले देखिए। दे आर द लास्ट पीपल टू सबमिट टू द ब्रिटिश एनी टाइम। Maharaja Ranjit Singh was the only Indian ruler who ever went to Afghanistan and captured Kabul. इसके अलावा तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं कि आपने पश्तूनों को दबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब सिर्फ पीटीएम जो नॉन वायलेंट ग्रुप है उसका देखिए इम्पैक्ट क्या है। मैं यहाँ जो पश्तून रेफ्यूजीज हैं कनाडा में, मैं उनका देखता हूँ, दे आर very well educated politically, I think one of the most astute people, जिनको पता है what is politics and वो ट्राइबलिज्म के उसमें नहीं फंसे हुए। जैसे बलोचिस्तान में तो थोड़ा ये है ना कॉन्टेस्ट कि आप किस ट्राइब के, ये वो। सिंध में महाजरों ने ऐसा मिक्सचर किया है कि पता ही नहीं चलता कौन क्या है। बट द पश्तून्स आर वेरी क्लियर इन हु दे आर, what their history is and what their dream is। वो पाकिस्तान की ड्रीम से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सेल्फ हेटिंग उर्दू स्पीकिंग पंजाबी इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का ताल्लुक ही नहीं है उससे। तो ये लॉज ऑफ फिजिक्स के तहत देखिए ना कि ये दो टू वैल्यू सिस्टम्स आर दैट आर क्लैशिंग एंड उसका नेचुरल एंड विल बी दैट द पश्तून्स ऑफ पाकिस्तान विल से वी डोंट बिलोंग टू यू। अफगानिस्तान में जो अमेरिकी फौज है उसके इंखला के बाद जो सूरत हाल है वो आप देखने की तेज़ी से तब्दील हो रही है। तालिबान का दावा ये कि उन्होंने सरहदी इलाकों के 90% हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिसकी अफगान हुकूमत तरदीद करती है। आज अमरीकी फ़ज़ाइया ने कंधार के इर्द-गिर्द अफगान फ़ौज की मदद के लिए तालिबान ठिकानों पर हमले भी किए हैं। अब तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने भी इन हमलों की तस्दीक की है जिसमें 3 तालिबान जंगजू मारे गए हैं और 2 गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। तालिबान तर्जुमान का क्या कहना है कि जी इन हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं क्योंकि ये दोहा में होने वाले अमन मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। तालिबान के तर्जुमान ने मजीद कहा कि अगर उन्होंने मजीद हमले किए तो नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। अब दूसरी जानिब अफगान क़यादत की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई बढ़ती जा रही है जिसमें नायब जो अफगान सदर हैं वो सबसे आगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस हर्जा सराई की वजह क्या है? आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? तालिबान ने मुज़ाकरात के लिए अशरफ गनी के इस्तीफ़े की शर्त भी रखी है। क्या अफगान सदर अपना ओहदा छोड़ेंगे? ब्रिगेडियर हारिस साहब आपके तरफ आ रही हूँ। आपने ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब को भी सुना, आप इस पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, खासतौर पर जो पूरी अफगान हुकूमत है और अफगानिस्तान के नायब सदर वो बार बार पाकिस्तान के बारे में बड़ी हर्जा सराई कर रहे हैं, क्या वजह आपको नज़र आती है? देखें डॉक्टर फिजा, मैं महमूद शाह साहब की आवाज़ नहीं सुन सकता, मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आई पर्सनली थिंक अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। ख़ास तौर पे जो आज उन्होंने अफगान तालिबान के ऊपर जो बमबारी की है ये तो सही बिल्कुल क्लियर वॉयलेशन है। उन्होंने तालिबान ने यही कहा था कि हम अमेरिकनों के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे और अमेरिकन हमारे ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कि अमेरिका जान के इंस्टिगेट कर रहा है अफगान तालिबान को कि वो काबुल पे हमला करें और उनका नायब जो सदर है जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ जुबान इस्तेमाल कर रहा है ये भी क्लियर नजर आ रहा है कि ये अमेरिकन की और इंडियन से तालिबान बन रहा है। हमें बड़ा अच्छी तरह से मालूम है कि अफगान जो हुकूमत है ये कट चुकी है, ये टोटली रिमोटली कंट्रोल्ड है बाय अमेरिकन। अमेरिकन की मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये है कि दे हैव बीन टोल्ड टू यूज दिस लैंग्वेज और जितनी हालात सिचुएशन खराब हुआ यही इंडियन के फ्रंट पे जो अमेरिकन के विलियन का वहाँ पर मौजूद है। ये वजूहत है जिसकी वजह से अफगानिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे और पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान ने इंतहा से ज़्यादा कोशिश कर ली। इवन जब ये सेंट्रल साउथ एशियन जो कॉन्फ्रेंस हुई है वहाँ पर जब अशरफ गनी ने इल्ज़ाम लगाया तो प्राइम मिनिस्टर कहा कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कोई मुल्क चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो तो वो पाकिस्तान है। और जिस तरीके से अफगान तालिबान ने अभी पेशकदमी रोकी हुई है, काबुल में चढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो मौका दे रहे हैं, तो उनको अब समझ आ गई है कि दुनिया इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। और अगर उन्होंने अशरफ गनी को कहा है कि वो रिज़ाइन करे तो आई थिंक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर अशरफ गनी चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अगर अमेरिकन तो रिज़ाइन करो, क्या अशरफ गनी की मजाल है? ये बातें हैं क्वेश्चन मार्क जो पिक हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है कि हमें क्या क्या करना है, हमने कैसे बॉर्डर को सील करना है, कैसे वहाँ रिफ्यूजीज को हमें किस जगह पर रोकना है। उसके बाद हमने अमन की कोशिश करते रहे अफगान तालिबान बच्चे हैं। और सेकंड ये कि दोहा में अफगान तालिबान ने अजीब डबॉल की कितनी बेइज्जती की है, इतनी बेइज्जती की है कि आप सोच नहीं सकते कि तुम जो कर रहे हो हमें पता है, हम तुम्हारे से बात नहीं करेंगे, तुम जो वहाँ वेपन एमुनिशन दे रहे हो सब कुछ उन्होंने कहा कि हम किसी हालत में आपसे कोई मुलाकात नहीं कर सकते। अगर इन चीज़ों सारों को हम देखें तो पता ही चलता है कि अमेरिका, इंडिया और अफगान गवर्नमेंट दे डोंट वांट पीस इन अफगानिस्तान। अगर पीस चाहते तो वो पहले इसका मसला हल करके निकलते। अफगान तालिबान उस वक्त इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं थे, वो भी निगोशिएट कर लेते। अब जब अफगानिस्तान को नज़र आ रहा है अफगान तालिबान को जी हमने तो सारा कब्जा कर लिया, काबुल हमारे पास 2-3 घंटे की मार है, हम रुके हुए हैं, तो वाई शुड दे वो पीस निगोशिएट करें। और अगर वो करते भी हैं तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी स्ट्रांग पोजीशन से करेंगे। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त हालात बड़े ख़तरनाक हैं और ये नहीं चाहते। और यही उसके बाद जो पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, ताजिकिस्तान है, उसके बाद कजाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, ये एक ग्रुप बनाया कि यहाँ पर इनको पीस प्रोसेस में काम करें, इनकी मदद करें। रशिया और चाइनीज़ की भी इनको सपोर्ट है, चाइना भी पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि जितना चाइना चाहता है उतना पाकिस्तान चाहता है। अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो रॉ वहाँ फैक्ट्री वहाँ ऑपरेट नहीं कर सकेगी, दाइश वहाँ पर नहीं चल सकेगी। इसका मतलब है कि हमारे बलोचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होगी, बलोचिस्तान में प्रॉब्लम नहीं होगी तो मतलब हमारा सीबेट मनसूबा कामयाब होगा, ये हम चाहते हैं। Request to all please support till top vlogs and please subscribe, like, share and comment. Thank you. दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।